बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कुल्लू के बर्थ नंबर 73 पेरड़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नड्डा ने यहां पर रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया। इस अवसर पर जेपी नड्डा ने बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक एवं बीएलओ का धन्यवाद करते हुए कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के देश के लिए योगदान को याद किया। नड्डा ने कहा कि श्यामा प्रसाद के जन्म और जीवन को समझना बहुत जरूरी है। वो कभी भी पार्टी से नहीं बल्कि एक विचार से जुड़े थे। इसी के चलते उन्होंने अपने आप को अनेक पार्टियों से जोड़ा और तोड़ा। मुखर्जी 33 वर्ष की उम्र में कोलकाता यूनिवर्सिटी के वीसी बने, जो उस समय ऐतिहासिक था। नेताजी ने जवाहरलाल नेहरू को कहा, इसकी इंक्वायरी करो। और जवाहरलाल नेहरू को श्यामा प्रसाद जी की माता जी ने चिट्ठी लिखी कि तुम कायर हो, आप डर गए हैं, आप में ताकत नहीं है कि आप जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री, उपप्रधानमंत्री होते, उससे बात कर सको और मेरे बेटे की डेथ की निष्पक्ष इंक्वायरी कराओ। वो इंक्वायरी आज भी नहीं हुई, संदेहास्पद स्थिति में उनकी मौत हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उस समय हजारों में संख्या थी, बाद में हमारी संख्या लाखों में हुई और आज हमारी संख्या 18 करोड़ है। इस बात पर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और हमने 52-53 से नारा लगाया, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नीचे। और मुझे खुशी है कि 5 अगस्त 2019 मुझे सौभाग्य मिला कि मैं गृह मंत्री के बगल में बैठकर संसद में इस उंगली से बटन दबाकर धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति, जिसने सुबह धारा 370 देखा और शाम को धारा 370 को धाराशाही होते हुए देखा, इसी उंगली से हमको भी मौका मिला उस ऐतिहासिक घटना में पार्टिसिपेट करने का। आज एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान है, वो प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 3 दिवसीय हिमाचल दौरे का आज अंतिम दिन है। आज वो वापस दिल्ली लौट जाएंगे। नड्डा ने अपने इस दौरे के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कई अहम बैठकें की। जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, कभी एकता यात्रा निकली, कभी लाल चौक चलो की यात्रा निकली, एक नहीं अनेकों बार हम लोगों ने श्रीनगर जा करके अपनी बात को कहने का प्रयास किया। लेकिन आज, और आपको मालूम है कि 126 कानून भारत के संविधान से पारित किए हुए जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। जम्मू कश्मीर में ट्राइबल की रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन नहीं थी। हम सब लोग ट्राइबल है ना, हमारे लोग, उनको ट्राइबल रिजर्वेशन मिलती है कि नहीं मिलती है? जम्मू कश्मीर में ट्राइबल रिजर्वेशन नहीं थी। जम्मू कश्मीर में हमारे हरिजन भाइयों को दलित रिजर्वेशन नहीं मिल रही थी। जम्मू कश्मीर में महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो तो डोमेस्टिक वायलेंस का कानून लागू नहीं था। जम्मू कश्मीर की बिटिया अगर जम्मू कश्मीर से बाहर शादी कर ले तो प्रॉपर्टी से वंचित हो जाती थी। जम्मू कश्मीर का सफाई कर्मचारी सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरी कर सकता था, बाकी जम्मू कश्मीर में वो क्लर्क नहीं बन सकता। ऐसा 126 के आसपास कानून भारत के लागू नहीं होता। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के कारण भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है
जिसने पूरी ताकत के साथ ये लड़ाई लड़ी और मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह की रणनीति ने इसको साकार करके दिया है। इसलिए आज के दिन जब हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्मदिन मनाते हैं तो उनके जीवन से हमको प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि वो पार्टी से नहीं बंधे। पहले कांग्रेस को छोड़ी, फिर हिंदू महासभा को छोड़ी, जनसंघ स्थापित किया, लेकिन वो विचार से जुड़े रहे और विचार के लिए वो आवेदन चलते रहे। तो हम सब लोग भी विचारशील पार्टी के विचारशील कार्यकर्ता हैं, इसलिए हम सब लोगों को भी विचार के साथ जुड़ करके देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा समर्पित रहना चाहिए। यही आज के दिन का संदेश और मन में हमको प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम भारत को मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें। यही मुझे आज कहना है। बहुत बहुत या तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।